हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक वेबसाइट के बारे में जहां पे आप फ़ोटोशॉप की सारे काम कर सकते हैं। आप जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप वाटर मेकर लगा सकते हैं, फ़ोटो पे अगर कुछ लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, फ़ोटो क्रॉप कर सकते हैं, मतलब सारा कुछ कर सकते हैं आप एक ही जगह पे। फ़ोटोशॉप में बस आपको जाना है और साइज़ बना के प्रिंट मार देना है, बस घंटों का काम मिनट में हो जाएगा आपका। तो गाइस, इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ आपके लिए। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा और गूगल क्रोम में लिखना है इमेज कैंडी। इमेज कैंडी लिख के उसको सर्च मार देना है। और सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे इमेज कन्वर्टर है, रिसाइज कर सकते हैं, इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इमेज को पीडीएफ कर सकते हैं, फ़ोटो को रोटेशन कर सकते हैं, उस पर कुछ लिख सकते हैं, वाटर मेकर लगा सकते हैं, फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारा कुछ है गाइस यहाँ पे, आपको एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है आपको, आपको कितना इजी है करना मैं करके दिखाता हूँ लाइव। तो गाइस, मैं पहले आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। मैं तो मैं इसी पिक्चर को ले लेता हूँ, इस फ्लावर को, और मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। मैं तो गाइस, ये कुछ सेकंड इसको अपलोड करता है, फिर से अपडेट कर देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइस। तो यहाँ देख सकते हैं रिमूव योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड रिमूव ये बस कुछ सेकंडों में हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये फ़ोटोशॉप में आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना होता है रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये रेडी है, ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, वाइट हो गया ये बैकग्राउंड इसका, और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक इसी तरह किसी भी पिक्चर का हो, कोई भी फ़ोटो हो, आप इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे और फ़ोटोशॉप में साइज़ बनाना है और प्रिंट मार देना है आपको। फ़ोटो क्रॉप करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, सारा कुछ एक जगह पे ही हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर ये बैकग्राउंड चेंज होने के बाद इसका। चलिए मैं कुछ और भी आपको करके दिखाता हूँ, मतलब सारा टूल्स यहाँ यूज कर सकते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा आपको। तो मैं पीडीएफ इमेज करता हूँ इसको, इमेज को पीडीएफ में चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सीधा कन्वर्ट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ में बना देगा आपको, फिर आप उसे पीडीएफ में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड करना है आपको। तो गाइस ये मेरे कंप्यूटर में खुलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पीसी में अभी एडोब रीडर पीडीएफ फाइल जो है एप्लीकेशन नहीं डाला हुआ है, तो ये खुलेगा नहीं, आप में खुल जाएगा इजी वे में। तो यहाँ देख सकते हैं एडोब रीडर शो नहीं कर रहा, पीडीएफ शो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पीडीएफ एप्लीकेशन मेरे सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है मेरे कंप्यूटर में। तो गाइस चलिए मैं आपको कुछ और भी करके दिखाता हूँ, क्यों फिर से आपको इमेज कैंडी पर क्लिक करना है यहाँ पर, और मैं इस बार फ़ोटो आपको क्रॉप करके दिखाने वाला हूँ, फ़ोटो को क्रॉप करना कितना इजी है। तो चलिए मैं इस किसी भी एक पिक्चर को ले लेता हूँ, सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ।
और यहाँ से साइज़ देख सकते हैं, साइज़ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना मर्जी उतना आप कटिंग कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस बहुत अमेजिंग साइड है ये, और इसे यूज़ करना करके आप देखेंगे एक बार, ज़रूर मज़ा आने वाला है आपको। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले। फोटोशॉप का झंझट खत्म हो जाएगा आपका गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।